किसी भी एक्टर ने आज तक अपनी बेटी के लिए फिल्म नहीं बनाई है. वेरी प्राउडली जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी मेरे पापा का नाम सुनहरे अक्षरों में आना चाहिए. दैट द ओनली हीरो हु लॉन्च्ड हिज डॉटर. माय वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड माय फादर. आई थिंक जिंदगी का अगर कोई एंबिशन है ना तो इट इज ओनली टू मेक माय फादर प्राउड. जब फिल्म फ्लॉप होती है ना तो ज्यादातर हीरो जो है ना उसको तो भैया वाइप आउट कर देते हैं. बट मेरे पास थिएटर और मेरे पास मार्क. आओ थिएटर करो. दिस इज द यू नो वेयर यू विल ग्रो. Hi guys, welcome to the Super Womania show. With me today is someone who's honestly gorgeous, graceful and just so talented. Ye well-known theatre personality, actor Juhi Babbar Soni hai. थैंक यू स्तुति. फाइनली आप हमारे स्टूडियो आ गए. इस बात की बहुत खुशी. आई नो मुझे आपसे ज्यादा खुशी. एंड सो मच यू बीन डूइंग यू नो इट्स रियली फनी. हम कई बार कहते हैं ना कि अरे इनसे बात करके वक्त का अंदाजा ही नहीं होता. हमें हो रहा है क्योंकि 101st शो ऑफ विद लव आपकी सैयारा. आपकी सैयारा उसकी आप तैयारी इस वक्त करेंगे. टेल मी यू नो फॉर ऑल दोज बिकॉज आई हैव बीन वेरी लकी टू एक्चुअली गो see her perform. This is a play that you've directed, you've written. Yes. How cool. Tabhi main keh rahi thi ki ye supremely talented jo ye hain, isme inhone act kiya hai, likha hai, direct kiya hai, par jinhone abhi tak aapka ye play nahi dekha hai, unhe aap kaise describe karenge? Kiske bare mein hai, kya hai ye? Wow. To ye play Sayyara ke bare mein hai. Aur Sayyara hum mein se ek hai. है ज़रूर एक औरत लड़की की कहानी मगर बहुत सारी कहानियां हैं सैयारा में. इसलिए शायद हम इस तरह से हिंदी थिएटर में रिकॉर्ड तोड़ पाए हैं क्योंकि जस्ट इन अबाउट 30 months टू अचीव अ नंबर लाइक 101 शोज 35 cities इन द कंट्री एंड 5 shows इंटरनेशनली इज बिकॉज द ऑडियंस रियली रियली रेजोनेट्स विद द कैरेक्टर. ऐसा कोई शख्स नहीं होता है ऑडियंस में जो शायद सैयारा के साथ एक अपना एक रिश्ता नहीं बना लेता है. सैयारा का आइडिया कहाँ से आया? कब आपने सोचा कि हम लिखेंगे फिर डायरेक्ट करेंगे? सो द आइडिया हैज कम फ्रॉम द बिग बॉस. ओह मतलब मेरी मम्मा. अच्छा. यस शी इज अ वेटरन एक्टर थिएटर पर्सनालिटी. आई हैव बीन वेरी लकी टू सी हर परफॉर्म. वाओ. जो पार्टीशन का एक बेगम जान देखा जी, था आपने? जी जी जी. और आप बिल्कुल मतलब हिल जाते हैं. वो एक एक्सपीरियंस है अपने आप में. एंड नो वंडर मतलब एक तरफ से राज बब्बर एक तरफ से नादरा बब्बर भी वो जीन पूल काफी काफी रिच और चमकता है. यस लाइक आई से ना मतलब बाप के खून में माँ के दूध में. ओहो क्या बात है. सैयारा की नेक्स्ट कहाँ स्टेज हो रहा है इफ यू टेल माय व्यूअर्स? यस आई वुड लव टू. सो सैयारा के 100 शो अभी हमने खत्म किया जून में और दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रेक वी हैव एक्चुअली हैड बिटवीन टू शोज. ओके बट इट वाज अ वेरी डिलिबरेट ब्रेक एंड आई विल से दैट द मोस्ट स्पेशल इज ऑन 6 सितंबर फ्राइडे एट 4 PM एट पृथ्वी थिएटर बिकॉज ये मेरा 101st है और मेरा फर्स्ट शो भी पृथ्वी थिएटर पे हुआ था. अरे यस लवली. आई मीन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर सिंस 98. अच्छा पहले शुरुआत जो नींव है वो थिएटर की ही है. जी बिल्कुल बिल्कुल. मेरा तो थिएटर मतलब अभिमन्यु जैसे शुरू हो गया था ना. सो दिस इज लवली. तो फिर यहाँ से थिएटर में आपकी शुरुआत हुई. जी फिल्म. And you were cast opposite Sonu Nigam. Sonu ji, yes. How cool is that? It is. So how was that whole experience? How did you get that role? Ghar walon ne kya bola? Did your father and mother decide ki hum choose karenge wo project? My father was like, no way, you can't be doing this. And I said, I really want to, you know. And I mean, let me at least start doing theatre. So 98 से मैंने फिर से एकजुट जो मेरी मामा का थिएटर ग्रुप है वो ज्वाइन किया और बस उसके बाद भी माई फादर वॉज नॉट सो हैप्पी. हाँ ठीक है. बट थैंकफुली फॉर मी व्हेन माई फादर वॉच्ड मी बेगम जान ही सेड नो यू इन जस्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन यू हैव रियली वर्कड ऑन योर सेल्फ एंड आई थिंक यू डिजर्व अ फिल्म. एंड अनलाइक एनी अदर फिल्म इंडस्ट्री फादर माई फादर मेड अ फिल्म फॉर मी. किसी फादर ने बनाई नहीं है आज तक. Except for maybe Mahesh Ankur, but then he was a director. Yeah. He was not a hero or an actor.
किसी भी एक्टर ने आज तक अपनी बेटे की रिफ्म नहीं बनाई है. वेरी प्राउडली जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी मेरे पापा का नाम सुनहरे अक्षरों में आना चाहिए. दैट द ओनली हीरो हु लॉन्च्ड हिज डॉटर. हाउ कूल एंड यू आर सेइंग इट विद सो मच प्राइड. एब्सोल्युटली बिल्कुल. राज बब्बर को हम थ्रू हिज रोल्स जानते हैं राइट. तो कभी उनसे डर लगता है, कभी उन पे प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है. बट आपका उन पे उनके साथ किस तरीके का रिलेशन. सो व्हाट यू सेड स्तुति इज एब्सोल्युटली बहुत ही सही बात कही आपने. मेरे लिए माय फादर इज माय वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड माय फादर. मेरी आई थिंक जिंदगी का अगर कोई एम्बिशन है ना तो इट इज ओनली टू मेक माय फादर प्राउड. बाकी सब चीजें बाद में आती हैं. आज तक देयर इज नॉट अ सिंगल बर्थडे ऑफ माइन माय फादर हैज मिस्ड. देयर वाज नेवर अ स्कूल इवेंट दैट माय फादर मिस्ड. वाओ. देयर हैज नेवर बीन अ दिवाली होली ईद दैट माय फादर हैज मिस्ड. He has always prioritized the family and children. Sonu Nigam as co-actor kaise hai? He was very nice. Of course, jab shuru kiya tha to wo bhi unsure the. But he was always very good. Aur experience unhe bahut tha kyunki music videos vagera kar chuke the. Correct. So obviously mujhe uska benefit hua kyunki he was confident and he used to and he was very passionate. It's unfortunate that the film didn't do well. और ट्रोल करने के लिए, बुराई करने के लिए तो लोग हमेशा ही आतुर रहते हैं. पर मेरा ये मानना है कि सोनू जी ने भी अच्छा काम किया था. मतलब उनसे हजार गुना बुरे लोग उस वक्त भी चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं, यू नो. बट हर फिल्म एंड ही एक्सप्लोर्ड समथिंग. आई मीन ऑफ कोर्स मेलोडी और म्यूजिक से तो उनकी आवाज में इतना एक्सप्रेशन है एंड आई एम श्योर यू नो मिमिक्री भी अच्छी करते हैं, यू नो. तो वेल आई हैड अ गुड टाइम वर्किंग विद हिम एंड ही वाज अ वेरी गुड को एक्टर. और यस आई विश द फिल्म हैड डन बेटर फॉर बोथ ऑफ अस, यू नो. हाउ डिड यू टेक इट? तब तो इतना विशेष नहीं था खैर माहौल की. You know, ये जो nepotism or ये वो, it was, but it's just unfortunate, like you said, that it didn't work. How did you take it? How did you take that whole experience? Yes, so thankfully, like you said, इतना नहीं हो जाता था, इतना you know attack नहीं करते थे लोग आपको. बुरा तो लगना ही था, पर उस वक्त कोई बात जो आपके फादर ने आपको बोली जो आपको याद है तो patience and he said मैं तुमसे सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैं request कर सकता हूँ that make the right choices. एक बड़ी strange सी बात है, अभी भी शायद apply हो जाती है. Our industry ना is I think harsher on the men. तो जब film flop होती है ना तो ज़्यादातर hero जो है ना उसको तो भैया wipe out कर देते हैं. लड़कियों को तब भी काम मिल जाता है. और वो अलग बात है कि आपको फिर मुझे उस तरह की फिल्में मिल रही थी, तीन हीरोइनें वाली और जिसमें मतलब आपके दो सीन हैं और तीन डांस हैं, मतलब इस तरह का काम आ रहा था. फिल्मों के नाम नहीं लूंगी. But you didn't want to. Yeah, मगर वो फिल्में चली भी. हाँ, these three four hero type of films उस वक्त बहुत सारी आई थी, comic films if you remember. But I was like, no, I don't think I want to be there. You know, and I don't think I fit. In that, और ये नहीं करना है मुझे. शायद इतना ही लिखा था तो you know, and पर अब अगर देखें तो आपके फादर की बात सही थी. बिल्कुल, patience के साथ अब आप हंसल मेहता की फिल्म में. Yes, Tuti, and I'm so thankful to God क्योंकि आज मेरा बेटा अगले हफ्ते 12 साल का हो जाएगा. एटलीस्ट देयर आर नो वीडियो टेप्स दैट आई हैव टू हाइड फ्रॉम हिम. या यू नो, एंड एटलीस्ट देयर इज नथिंग लाइक कि बेटा मम्मा का वो वाला प्लीज काम मत देखना, यू नो. मतलब मैं खुदकुशी कर लेती यार इफ माय सन हैज टू यू नो वॉच दैट. दैट्स यू, यू नो. आई मीन आई वुड हैव डाइड, यू नो. एंड थैंकफुली एंड थैंक्स टू माय फादर. You've done and, work and that values you're proud of my parents, my mother, ke maine nahi kiya. You know, I did this one Hindi film, achhi pyari film thi, nahi chali box office pe, koi baat nahi thi, audience ka faisla sirakho par. Punjabi film did extremely well, with Jimmy Shergill. But uske baad jo mujhe Punjabi film mein bhi role mere the copy paste. Meko lagta ye wohi script le aaye kya aap jo abhi jo maine film khatam ki hai, you know. So I was like, nahi yaar, maza nahi aa raha. And then I said, chuck it. But then I said, कोई बात नहीं, अब बैठ जाते हैं,
सिनेमा को फिलहाल नमस्ते करते हैं और अपने थिएटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दैट्स आल्सो सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू नो वेयर यू डोंट वांट टू गो. यस. द रूट यू डोंट वांट टू टेक. आई थिंक दैट क्लैरिटी इज व्हाट हेल्प्स. सो यस, सो थिएटर वाज देयर एंड थिएटर रियली हेल्प्ड यार. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास थिएटर नहीं होता ना और मेरी माँ का सपोर्ट नहीं होता यू नो विद थिएटर, तब आई थिंक डिप्रेशन में जाना या गलत फैसले ले लेना या डेस्परेट हो जाना शायद एक वो चॉइस हो जाती कि यार ये ही है अब मेरे पास. बट मेरे पास थिएटर और मेरे पास माँ थी. आओ थिएटर करो, दिस इज द यू नो वेयर यू विल ग्रो. अनूप का जो एक पहचान है वो अब सावधान सतर्क एंड क्राइम पेट्रोल से हो गई है. प्रतीक, हम तीनों में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर में वो थोड़ा सा पैदल है, थोड़ा सा. बट अनूप्स पर्सनैलिटी ना कुछ वैसी हो गई है. लाइक अनूप इज लाइक मोस्टली लाइक यू नो फीवर एफएम हैपनिंग है.